तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय नेक्स्ट एपिसोड। तो इस वाले एपिसोड में गाइस हम लोग लेके आने वाले लाइट ट्रांस, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा हम लोग ना एक टारगेट रखते हैं, मतलब भाई 50+ लाइट भाई उतने होंगे तो लेके आएंगे, उससे कम ज़्यादा भी होगा तो भाई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो जाके भाई एन सिटी में लाइट को फाइंड आउट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वाले एपिसोड में भाई फुल्ली एक्सप्लोर होगा एन सिटी, पहले तो हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना पड़ेगा। चल गाइस फटाफट से चलते हैं और करते हैं हमारे प्यारे से वीडियो को स्टार्ट। भाई यार चलो फटाफट से जाएंगे उधर, एक्सपी फॉर्म भी है हमारा। पहले तो हमारे सारे टूल्स की भाई एक्सपी बना लेते हैं भाई, क्योंकि मतलब यार बहुत ही कम है एक्सपी। तुम देख सकते हो मेरे शॉल की भी एक्सपी बहुत ही ज़्यादा कम है। चलो गाइस फटाफट से, तो फाइनली गाइस मैं हमारे ये वाले पोर्टल पे आ जाता हूँ। ये पोर्टल डायरेक्टली कनेक्टेड है स्ट्रॉन्ग होल्ड में, मैं अब जाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बट भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया शायद से। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आ गया भाई, मैं डर गया था थोड़ा सा, मतलब भाई एकदम से क्या ही हो रहा था इधर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ हमारे एक्सपी फॉर्म में, यहाँ से भाई सारे टूल्स की एक्सपी फुल कर लेंगे हम। चलो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, इधर से हम डायरेक्टली जाएंगे एंड सिटी में गाइस। बहुत ही ज़्यादा शिप्स को मैं फाइंड आउट करूँगा, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रा और भाई एंडो ड्रैगन का हेड, ये दो चीज़ें ही लूँगा, बाकी का भाई कुछ भी नहीं लूँगा, क्योंकि यार मेरे पास सब कुछ है फालतू का सामान। भाई चलो फटाफट से, अब यहाँ पर तो मेरे इलेक्ट्रा की भी एक्सपी फुल थी, मतलब भाई बहुत ही देर तक हम हवा में उड़ सकते हैं। मैंने सारी तैयारी करके रखा है भाई, मैंने पोशन भी बनाया और रॉकेट्स भी भाई बहुत ही ज़्यादा लेके आया हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके भी। चलो गाइस यहाँ तो हम आ जाते हैं, अब मुझको यहाँ से अपनी प्यारी सी जर्नी स्टार्ट करनी है भाई। मुझको तो एक डर भी लग रहा था भाई, यहाँ से मैं वापस जाऊँगा क्या नहीं भाई, मुझको भी नहीं पता था। बट भाई चलो डर के आगे तो जीते गाइस। ओ भाई आते ही ये वाला बंदा मारने लगा मुझको, गंदा भाई सब डैमेज दे रहा था, बट उसके साथ भाई हमने अच्छी खासी फाइट करके जीत लिया। चलो भाई शल्कर से फाइट लेनी है मेन गोल हमारा, भाई गंदा सा डैमेज देते हैं बट हमारे पास ये पोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आर्मर भी भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मैं फटाफट से मेरा रॉकेट चलाते जाता हूँ भाई, हमारा इलेक्ट्रा दूर दूर तक लेके जाता है और मुझके एन सिटी में बहुत ही ज़्यादा मिल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट भाई स्टार्टिंग में जो पहली शिप है ना भाई बहुत ही गंदा, मुझको बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा बट भी नहीं मिल रही थी यार, मुझको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, ये मिल जाती है बट भाई इसके पास तो इलेक्ट्रा ही नहीं था, छोटी सी शिप थी भाई, मुझको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इधर। बट भी भाई चलो कंट्रोल करके मैं और ज़्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ इधर भाई, मतलब बाद में भाई फटाफट से मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। चलो गाइस फटाफट से इधर करते हैं एक्सप्लोर। भाई ये तो यार बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, तुम लोगों को भाई थोड़ा सा स्पीड में दिख रहा होगा भाई, मतलब यार गंदा ट्रैवल हो रहा है ये तो, मुझको लगा भी नहीं था मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके घर में जाऊंगा वो भी सेफली। भाई रेंडर भी नहीं हो रहा था ठीक से, बट भी चलो कोई बात नहीं भाई, मिल जाए गाइस एक तो मिल जाए, तो फाइनली गाइस मुझको दिख जाती है सामने की तरफ। चलो भाई हमारी फर्स्ट शिप है भाई, इसके पास ही एन सिटी में रहती है, मैं सोचता हूँ भाई चलो भाई इसको फटाफट से लूटते हो और हम जाते हैं हमारी लाइटर की एक्सपी फुल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास भाई एक ही लाइटर है भाई। यहाँ से हम डायरेक्टली लाइटर के शिप की तरफ जाएंगे, क्योंकि भाई हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रा भाई, हमारी स्टार्टिंग की शिप थी, मुझको भाई थोड़ा सा लालच भी आ जाता है, तुम देखना भाई आगे क्या ही होता है हमारे साथ। भाई अंदर दो तीन शेल्कर होंगे शायद से, भाई एक शेल्कर फटाफट से नीचे जाएंगे डायरेक्टली इलेक्ट्रा के पास। भाई 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 चलो यार पहले तो मैं पोशन पी लेता हूँ इधर, मतलब भाई पीने का नहीं है फोड़ने का है, चलो कोई बात नहीं। भाई शेल्कर ने देख लिया शायद से,
भाई सामने की तरफ, भाई इसको तो मैं इजीली मार दूंगा। चलो भाई खत्म भाई, मुझको ऊपर कहाँ लेके जा रहा है ये भाई, गंदा भाई। भाई सामने की तरफ है कि गाइस यार, इसको तो मैं एरो से मारूंगा फटाफट से। भाई ऊपर कहाँ लेके जा रहा है भाई, इधर से गिरूंगा तो यार डैमेज पड़ेगा, बट भाई हमारे पास पोषण कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कितना डैमेज देगा ये। तो फाइनल में आ गया इधर नीचे, मुझको एक शेल्कर बॉक्स भी मिला, चलो अच्छी बात है ये। तो पोशन भाई कौन सा भी हो रहा है, फटाफट से उठा लूंगा मैं, क्योंकि यार हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं है। चलो एलाइट्रा तो ले लिया, और ये दो वाली चेस्ट लूट लेंगे, क्योंकि यार इतना ज़्यादा नज़दीक दो चेस्ट भाई, कुछ भी मिल सकता है अंदर, मुझको डायमंड्स भी मिल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। चलो भाई फटाफट से लूटते हैं इधर। अब यहाँ से निकल के मैं डायरेक्टली जाऊँगा हमारे एक्सपी फॉर्म की तरफ, क्योंकि भाई हमारे लेटर की एक्सपी आधी हो गई थी, बट भाई मुझको थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए चलो भाई मैं सोचता हूँ चलो जाके करेंगे यार। पास में ही एंड सिटी है, पहले तो भाई इधर मैं आ जाता हूँ, बट भाई सामने की तरफ मुझको दिखता है एंडर चेस्ट। भाई मुझको थोड़ा सा लालच आ जाता है तो मैं लूटने की ट्राई करता हूँ, बट भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मुझको लग रहा है भाई मेरे वाले एंडर चेस्ट में भी कुछ भी नहीं था, इसलिए भाई इसमें भी कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पर मैं सब कुछ लूँगा, डायमंड का भाई मैं पहले लूँगा, क्योंकि यार मुझको डायमंड का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ गाइस, तो वापस आके भाई अब हमारी इलेक्ट्रा की भी एक्सपी फुल है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर सकता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रैवलिंग। मैं अब भाई पीछे वाले साइड में जा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले साइड में मैंने पहले थोड़ा सा गया गया था। चलो गाइस फटाफट से करते हैं ट्रैवल हमारा, भाई इस बार भाई जल्दी जल्दी से मिल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस स्टार्टिंग में भाई मैंने किसका मुंह देखा था भाई पता ही नहीं चल रहा था मुझको, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मेरे इलेक्ट्रा की हेल्थ तो भाई आधी हो चुकी थी, मुझको एक भी इलेक्ट्रा नहीं मिल रहा था गाइस, भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट भाई चलो मिल गया शायद से, अब मैं भाई इधर से करूँगा और ज़्यादा ट्रैवल। नाइस गाइस सामने की तरफ एक दिखती है मुझको, इसमें शिप नहीं है क्या शायद से भाई, यार इतनी बड़ी बट शिप नहीं यार, इलेक्ट्रा है नहीं इसके अंदर, भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मुझको, ये देख सकते हो यार कितना गंदा मजाक हो रहा है हमारे साथ ही। चलो भाई इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा अब, चलो दूसरी तरफ जाती हूँ, मुझको लगा था भाई इसमें कन्फर्मली होगा, बट भाई हमारा नसीब यार बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए चलो क्या ही कर सकते हैं हम लोग भी। तो सामने की तरफ एक और दिखती है मुझको, यहाँ पर शायद से शिप है। हाँ नोश भाई ये क्या भाई, कैसा ही लक होगा ये देख सकते हो तुम सामने की तरफ भाई, भाई सब जहाँ पे इलेक्ट्रा वहाँ पे भाई एंड सिटी, भाई ऐसा लग भाई किसी के पास नहीं होता, मतलब भाई डायरेक्टली एन सिटी के नीचे भाई हमको इलेक्ट्रा मिल जाएगा यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब पहली बार देखा इसलिए थोड़ा सा मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इसका इलेक्ट्रा लेते हैं, हम इधर से जाएंगे और एक इलेक्ट्रा ढूंढने, हमारा मतलब काम ही यही है इस वाले एपिसोड में, इलेक्ट्रा को ढूंढना, जितने से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रा कलेक्ट होंगे सारे इलेक्ट्रा उठा के लूँगा। यहाँ पर मैं एंडो ड्रैगन का हेड लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर तीन इलेक्ट्रा हो गए इधर। चलो भाई एंडो ड्रैगन का हेड भी संभाल के लेना पड़ेगा मुझको, नहीं तो थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भाई हेड को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। बट मुझको एक भी हेड गलती से भाई नीचे नहीं गिराने का है, क्योंकि यार वो चाहिए मुझको, आपको फाइनली पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो भाई इसको बाय बाय करते निकल जाते हैं, बट भाई तुम देखो यार कितना अच्छा लुक आ रहा है इधर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शिप की तरफ, मुझको तो भाई इजी लग रहा था, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। भाई जल्दी से मिल जाए दूसरी तीसरी चौथी, भाई फटाफट से मिल जाए, बहुत ही ज्यादा मज़ा भी आता है गाइस माइनक्राफ्ट खेलने में यार, मज़ा भी आता है, एक्सप्लोरिंग पे भी मज़ा आता है। बट भाई सामने की तरफ मुझको एक और शिप मिलती है, चलो भाई फटाफट से अंदर जाके भाई इसको भी लूटते हैं, मुझको इतना हार्ड भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यार
मैंने सारी तैयारी करके आया था भाई, इसलिए थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लग रहा था मुझको। मैं डायरेक्टली इलाइट्रा के पास भी एंटर करता था भाई, और मुझको मिल जाते थे इलाइट्रास। चलो ये भी हो गया डायमंड्स। ओके भाई नाइस, अच्छी बात है ये तो, 4 डायमंड मुझको मिल रहे हैं भाई फ्री के। चलो गाइस एंडो ड्रैगन का हेड लेना है मुझको अभी तो भाई, ध्यान से लेंगे, गिराना नहीं ये मेरे मुझको। एक हेड भाई है मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरे पिछले इलेक्ट्रा का, बट भाई वो भी चाहिए मुझको। चल चल चलो जल्दी से। नाइस भाई मिल गया। ओ भाई मेरी पिकेक्स नीचे गिर जाती है अभी, तुम देख लिया ना भाई। चलो भाई इस वाली को भी लूटते हैं फटाफट से। वो डायमंड्स भाई बहुत ही ज़्यादा डायमंड्स मिल रहे हैं मुझको, एमलार भी लेंगे। चलो ये वाले भी शिप हो गए हमारे कम्प्लीटली। तो गाइस हमने ऐसे 28 इलेक्ट्रस कलेक्ट किया है गाइस, उतने काफ़ी हो जाएंगे यार। चलो यहाँ से मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ हमारे घर की तरफ सेफली। और भाई तुमको एक दिखाने का यार, बहुत ही ज़्यादा ऑसम बिल्ड किया है हमने भाई, तुम देख के भाई परेशानी हो जाओगे क्योंकि यार उतना अच्छा बिल्ड हुआ है वो। चलो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। उसको देखने से पहले भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर दो ब्रो प्लीज़ से सब्सक्राइब। तुम लोगों को पता है गाइस हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की। चलो भाई मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, प्लीज़ भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मुझको भी भाई। इसके अंदर हमने सारे इलाइट्रा सारे एंडो ड्रैगन के हेड्स रखे हैं। चलो भाई फटाफट से जाएंगे हम अंदर यहाँ से। हमको जो कुछ मिला है ना गाइस हमने सब कुछ यहाँ पर ला के रखा है। ये देखो भाई कितना अच्छा लुक आ रहा है इधर भाई, ये देख सकती है हमारे पास 28 इलाइट्रस। इसमें 2 एंचांटेड है भाई, मैंने मतलब माइंडिंग लगाया है दोनों को भाई। अपने बीच में टोटेम का यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा लुक अच्छा है इसलिए भाई, ऑसम लग रहा है यार। कमेंट में ज़रूर से बता देना भाई ये वाला स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है भाई, यार मुझको तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इस वाले एपिसोड में गाइज इतना ही, मिलते हैं एक और नए एडवेंचर एपिसोड में, तभी के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट्स में ज़रूर से बता देना, और जाते वक्त गाइज वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर दो ब्रो प्लीज़ से सब्सक्राइब। गाइज थोड़ा सपोर्ट कर दो यार।